चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 8 अप्रैल जरोका में कुछ खास खबरें लाए हैं पूरी 9 आपके पास। शुरुआत कर रहे हैं महातांडव करने वाले कोरोना से। हर सेकंड में एक कोरोना का मरीज हमारे आ जाता है, इससे भी ज्यादा तेज चल रहा है। 1.25 लाख की गिनती इसने पार कर ली है, इतनी तेज गिनती से पहले कभी नहीं दौड़ा। हम सबको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और अलग बात बता दें, कुछ संतों ने तो हमारे दिगंबर संतों ने तो स्वीकार कर लिया कि उनको कोरोना है, पर एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जिन्होंने समाज में अफरा तफरी ना हो जाए इसलिए बात को खुलासा नहीं कर रहे हैं, खुद क्वारंटाइन हो गए हैं। इसमें दिल्ली जैसे शहर में भी और हमारे सबसे बड़े तीर्थ में भी बड़े बड़े महाराज भी इस समय कुछ क्वारंटाइन में चल रहे हैं। कारण कौन है, दोषी कौन है? केवल हम श्रावक है जो अब भी नहीं मान रहे, ऐसी चोट लगने के बाद भी अब भी अपने को सुधार नहीं रहे। आज की खबरें 9 कुछ यादगार चित्रों के साथ शुरू करते हैं। अब आपके साथ ऐसे संतों का करे दुनिया गुणगान, इनकी चर्या बनाती सबसे महान। देख रहे हैं चित्र आप, ये संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी धर्म चर्चा करते हुए। चित्र थोड़ा पुराना है बट आज भी इनके चर्या का एक अनोखा पैमाना है। क्या नया दिख रहे हैं आप इसमें? ऐसे चित्र आप बहुत से देखते हैं जब धर्म चर्चा करने में आचार्य श्री आगे आते हैं, पर हम इस कैमरे को थोड़ा नीचे झुकाते हैं, पैर के तलवे पर इसको पास लाते हैं। अब आप नजारा पैर के तलवे का देख पाते हैं और आंखें देखकर भौचक्की की हो जाती है जब इनके चरणों पर नजर जाती है। देखिए तपती आग सी बरसती सड़कों पर जब यह हमारे दिगंबर संत चलते हैं तो पैरों पे छाले यूं ही पड़ जाते हैं, चेहरे पर जरा शिकन नहीं होती और फिर अनियत बिहारी कब वापस चल पड़ते हैं पता नहीं चलता। पैर में फफोले, अंगूठा पूरा फफोलों से पड़ा है, यही तो चर्या है इनकी कि मुंह पे उफ नहीं और चलने में पता नहीं कब चल दे। धन्य ऐसे दिगंबर संत, बारंबार है इनको नमन। वानरों की पहुंच गई जैसे पूरी बारात, पर आचार्य श्री का निर्विघ्न चलता रहा आत्मसात। दृश्य देख रहे हैं आप, पिछली गर्मियों के हैं, तपती सूरज की गर्मी में कहते हैं कड़कड़ाती ठंडो तो नदी के तट पर बैठ जाते हैं और जब आग बरसती धूप हो तो छत पर जाके बैठ जाते हैं। यही तो सामायिक ध्यान की कला है हमारे संतों के अंदर, यही उनका चर्या मानी जाती है, यही परीक्षा को जीतने की कला है। यहां देख रहे हैं आप हसनापुर के चित्र। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी समय के लिए बैठ गए कि तभी अचानक पूरी वानर सेना आ गई, अन्न की चाह में भोजन की आह में। लेकिन क्या मजाल, अपनी मस्ती में उन्होंने एक क्षण भी आचार्य श्री को छेड़ा हो, यही तो कमाल है हमारे दिगंबर संतों का। उन पूजनीय वंदनीय संतों की चर्या चलती रहती है और इधर वानरों की बारात मस्ती करती रहती है, गजब के दृश्य है। कुत्ता कर रहा अपना आत्म कल्याण, चित्र है नैना विराम। पहले हम इतिहास को करोड़ों साल पीछे ले जाते हैं, करोड़ों करोड़ों साल, जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का जीव वज्रसंग और उनकी पत्नी श्रीमती जी जंगल में रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दे रहे थे। तब तो चार जंगल के पशु भी दिख रहे थे, सिंह, शूकर, वानर और नेवला। यानी देखते देखते अपना पुण्य इतना अर्जित कर लेते हैं कि चारों ही प्रथम तीर्थंकर के पुत्र बन के सिद्धालय पहुंचते हैं। और अब ऐसा ही यह चित्र दिखा रहा है जब आचार्य श्री सुनील सागर जी के पीछे एक कुत्ता भागा आ रहा है, समझ लीजिए आप। यानी प्रतापगढ़ से पग विहार कर रहा है आचार्य श्री के पीछे पीछे, विश्वास नहीं होता आपको। यानी जब आहार करते हैं पड़गहन से आहार तक पूरा टकटक जाकर दूर से देखता है और अपना भोजन भी स्पेशल रात को बिल्कुल नहीं करता, जमीन पर रख दो तो छूता नहीं है, बाकायदा थाली में लेकर ही लेता है। जब आचार्य श्री के प्रवचन होते हैं, आहार होता है या आरती होती है, सामायिक होता है, दूर से टकटकी लगाकर देखता रहता है। कहते हैं ना भव्य जीव है, आत्म कल्याण की ओर बढ़ चुका है। पता नहीं कब दिन कब रात आचार्य श्री दे रहे कोरोना को मात, जिन शरणम तीर्थ में आचार्य श्री पुलक सागर जी अब स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनको नहीं पता चल रहा कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, क्या चर्या हो रही है, पूरे ध्यान से अभी भी मग्न रहते हैं। और देखिए जरा उन्होंने कल जो अपने स्वास्थ्य के बारे में अपील जारी करी, धन्यवाद दिया, उसी का एक अंश सुनाते हैं। 7 अप्रैल को दोपहर को उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, रात और दिन एक से ही लगते थे, हम ये भी नहीं सोच पाते थे कि हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, लाभ हानि दिन रात कुछ भी हमें ख्याल नहीं था,
सांसें चल रही थीं, हम लेटे हुए थे, पर बहुत कुछ किया सभी ने। ये ज़िंदगी दोबारा जो मिली है ये उधार की ज़िंदगी है, वरना हम तो अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी हार चुके थे। जिन शासन की बहुत प्रभावना हमारे ऊपर है, जिन शासन बहुत शक्तिशाली है, तीर्थंकर भगवान वीतरागता के सराबोर होते हुए भी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। एक बात मन में बैठ गई कि आयु कर्म शेष हो तो हर चीज़ दुआ बनकर हमारे सामने आ जाती है, आयु शेष हो तो हवा का झोंका भी हमारे लिए ऑक्सीजन बन जाता है, आयु शेष हो तो लोगों की दुआएं भी दवाएं बन जाती हैं। बस फिर से जीवन देखने को मिला है, भक्तों ने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, मैं आपके बीच हूँ, आप लोग कोई चिंता ना करें, मैं सबका ऋणी हूँ, आभारी हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। और जब तक इस तन में सांस रहेगी तब तक भगवान महावीर की देशना के लिए फिर से गर्जना करूँगा, फिर से अपने जीवन को धर्म में झोंक दूँगा। इस बीमारी ने धर्म से आस्था खोने नहीं दी और धर्म से आस्था बढ़ा दी। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। थोड़ी कमजोरी का सामना कर रहा हूँ, उससे भी मुक्त हो जाऊँगा। आप सब साथ हैं, हर जंग जीत जाऊँगा, हर युद्ध जीत जाऊँगा और फिर से मैं अपने आप को अपने और दूसरों के कल्याण में लगाऊंगा। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आचार्य श्री ने दी दीक्षा, बढ़ते रहो मिली शिक्षा। अनियत काम करते हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री, कब क्या करे कब कहां चल दे किसी को भनक तक नहीं होती है। और इसी का एक कल दृश्य दिखा, जब प्रातः 7 अप्रैल को शुल्लक श्री समता भूषण सागर जी केश रोज कर रहे थे, केश रोज खत्म हुआ कि तभी एक आवाज आई, एलक श्री उपशम सागर जी महाराज। आवाज जानी पहचानी थी, आंख उठा कर देखी, गदगद हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। अभी तक मुनि श्री अक्षय सागर जी के संग में है, बहुत साधना में युवा तपलीन रहते हैं, अब अचानक शुल्लक से एलक दीक्षा मिल गई संत श्री आचार्य श्री के हाथों। गदगद दृश्य देख रहे हैं आप। मंदारगिरी में हो रहा प्रतिमा स्थापना समारोह, जी हां 17 और 18 अप्रैल तारीख नोट कर लीजिए। इसी मंदारगिरी की धरा से हमारे 12वें तीर्थंकर श्री वासु पूज्य जी का गर्भ जन्म तप और ज्ञान यानी चार चार कल्याणक इस पावन धरा पे हुए हैं, जहां पर आगामी 17 व 18 अप्रैल को प्रतिमा स्थापना समारोह हो रहा है, मान स्तंभ का, समोशरण का और 24 का। जब यहां पर आए तो ध्यान रखिएगा, दूरी बनाकर रखिएगा, मास्क जरूर पहनकर रखिएगा। आइए यहां की समारोह में शामिल होइए। विश्व जैन ध्वज दिवस मनाया, सोच रहे हैं आप जैन ध्वज का भी दिवस विश्व स्तर में किस तारीख को? जी हां इस बार 4 अप्रैल को मनाया गया। राजस्थान में जयपुर समाज इस पर वर्षों से कर रहा है इसको, यानी प्रथम तीर्थंकर के जन्म तप कल्याणक से पहला संडे जो आता है उस दिन यह विश्व जैन ध्वज दिवस मना रहे हैं, रैली निकालते हैं, जगह जगह ध्वज फहराते हैं, यानी अपनी एक पहचान को जिंदा रखते हैं। क्या हमने कभी सोचा इस बारे में? हमेशा अपनी संस्कृति को आगे पहुंचाइए, याद रखिए, जन जन तक फैलाइए। जैन ध्वज दिवस विश्व स्तर पर मनाएं। पारा स्ट्रोक पर आचार्य श्री कराएं शांति धारा, हम ना लगाएं मास्क ना दूरी की विचारधारा। दृश्य दिखा रहे हैं हम आज सुबह के, जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी जो पिछले कुछ दिनों से यहां पर हैं, पारा स्ट्रोक की स्वर्ण भद्रकूट पर देखिए शांति धारा करा रहे हैं। लोग गदगद हो रहे हैं, विधान भी चल रहा है यहाँ पर अफसोस तो यह है कि यहाँ पर देखिए हम कोई सामाजिक दूरी नहीं अपना रहे हैं। अरे मास्क तो लगाने की बात दूर, लटकाने की बात भी कहीं दिखाई नहीं देती है। बस यही तो कारण है कि हम ना कुछ समझते हैं और अपने संतों को मुसीबत में पहुंचाने का कारण स्वयं बनते हैं। दिगंबर जैन महिला महासभा की अध्यक्षा के स्वास्थ्य में सुधार, समझ गए आप, हम बात कर रहे हैं श्रीमती सरिता जैन जी की, जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की अध्यक्ष और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की पूर्व अध्यक्ष। इन्होंने कितने काम कर रही हैं
गिन नहीं सकते, लेकिन पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य बहुत खराब है। थोड़ी देर पहले हमारी तमिलनाडु राज्य के जैन समाज के प्रमुख से बात हुई, उन्होंने बताया कि अब स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होता रहा है, और आचार्य श्री देवनंदी जी भी इस बारे में कुछ कह रहे हैं। एक आयश आपको भी सुना रहे हैं। अनेक गरीब गोर बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ तमिलनाडु प्रांतीय लगभग 300 से अधिक पुरोहित पंडितों के लिए वे हर महीना उनके लिए खाना पीना और वस्त्र पहुँचाने का काम करती हैं। श्रमण परंपरा में मुनियों की सेवा करने का बहुत अच्छा कार्य करती हैं। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला के चार चार अभिषेक उनके सानिध्य और उपस्थिति में संपन्न हो चुके हैं। ऐसी चेन्नई निवासी श्रीमती सरिता जी जैन, धर्म पत्नी एम के जैन साहब। सरिता जी जैन की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, मैं उनकी तबीयत को सुधार लाने के लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, एवं आज उनके इस तबीयत को देखते हुए यहाँ पर नमोकार तीर्थ पर महामृत्युंजय विधान का आयोजन यहाँ पर करा के उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना मैंने की है। सुनिए आपने खबरें नौ, बात हम कर रहे हैं कोरोना की वर्तमान की। हाथ जोड़कर निवेदन है, इसको बढ़ने के लिए प्रशासन नेता खूब भूमिका बना रहे हैं। उनकी रैलियों में क्या कुछ हो रहा है, अगर ये हमारे सामने होता है, डंडा पड़ता है, जुर्माना पड़ता है, कर्फ्यू लगता है, बंद होता है, सब कुछ होता है, लेकिन रैलियों में जैसे कोरोना पर पूरा प्रतिबंध होता है, क्या कमाल है। यही तो हमारे देश के लोकतंत्र का कमाल होता है, जब नेता की वाह और सारी जनता आहा करती रहती है। सारी जगह बात हो रही है लेकिन नेताओं के कान में नहीं सुनी जा रही। तमिलनाडु डेंजर जोन में, केरल डेंजर जोन में, चुनावों के लिए नेता खूब कर रहे हैं लेकिन मास्क से और दूरियां बिल्कुल भूल रहे हैं। पर आप सावधान रहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं, अपने संतों की सुरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ कल फिर 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।